आप अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप दुखी हो। आप किसी को चीट करो तो ठीक, आप उसके सामने रिलेशन बनाओ तो ठीक, लेकिन आपके साथ ऐसा हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, बात बड़ी अजीब लगती है। ये जो दोगलापंथी है, ये जो डबल माइंडेडनेस है कि यहाँ कुछ और दूसरों के प्रति बिहेव कुछ और। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कर्मों की एक बहुत ही अजीब स्टोरी पर बेस्ड है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं अपने कर्मों को लेकर कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये सवाल बड़े अजीब भी लगते हैं कभी कभी, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपके पास सीधा सीधा कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जब हम इनको पास्ट में जाकर देखते हैं तो चीजों का एक बिल्कुल ही अलग रूप दिखाई पड़ता है। मैंने पहले भी पास्ट लाइफ कर्मों के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हैं और आपने भी वो वीडियो देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास्ट लाइफ स्टोरीज संजीव मलिक करके जरूर ढूंढिए अन्य वीडियो देखने के लिए। ये जो वीडियो है, ये विशेष रूप से एक स्त्री ने, एक लेडी ने हमसे पूछा कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे चीट करते हैं, लेकिन चीट छुपकर नहीं, मेरे सामने ही करते हैं। मतलब मेरे ही सामने दूसरी औरत को घर ले आते हैं और मुझे उसके साथ वो रहते हैं और मुझे जो है वो चढ़ाते हैं, मुझे दुख देते हैं, मेरे को तकलीफ दे के उनको बहुत खुशी होती है, उनको बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है मेरे सामने ही मुझे चीट करते हैं, मेरे पीछे करें तो मतलब एक लगता है कि चीटिंग करते हैं, लेकिन पता ना चले तो एक अलग बात है, लेकिन पता लगता है मेरे सामने चीट करते हैं। मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको भी अजीब लगता होगा, मेरे ही सामने दूसरी औरतों के साथ अगर संबंध बनाए तो कितना अजीब, कितना बुरा लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा। अब हमने जब इनकी पास्ट की स्टोरी को देखा तो बड़ी जो स्टोरी सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन बातों को समझे, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, आखिर कुछ तो किया होगा। दोष किसको दिया जा रहा है यहाँ पर? पति को। पति ही सबसे बुरा है और पति ही सब कुछ बुरा करता है और मैं तो सब बिल्कुल इनोसेंट हूं। अब यहां जब आप इनोसेंट खुद को मानना शुरू करते हो तो कुछ ना किसी को तो दोष चाहिए, और दोष देने के लिए जो सामने व्यक्ति होता है उसको आप दोषारोपण करते हो और खुद को सच्चा साबित करते हो। इंसान की यही साइकोलॉजी है, खुद पर कभी स्वीकार ही नहीं करता। जैसे हम कर्म चोरी की बात करते हैं, कर्म चोरी का सीधा सा अर्थ है आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरी जिंदगी में एक भी दुख मेरी गलती के बगैर नहीं आ सकता। एक भी दुख अगर मेरे जीवन में आया है तो डेफिनेटली मैंने कुछ ऐसा किया है। अब क्या किया है ये डिपेंड करता है, ये मैं आपको अब बता दें। तो यहां पर जो हुआ, हमने देखा पास्ट लाइफ में ये जो स्त्री है, ये जो लेडी है, ये पिछले जीवन में एक किसी गांव में थी। अब ये करीब पुरानी घटना है, करीब 150 साल पहले उस समय में गांव में जो है वो छोटे बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह हमारे यहाँ पर बड़ा बहुत कॉमनली चलता था। इस लड़की की उम्र जब शायद 10-12 साल की रही होगी तब इसकी शादी जो है वहां पर कर दी गई, किसी व्यक्ति से कर दी गई जिसकी एज लगभग 35 के आसपास में थी। अब शादी कर दी गई, इस व्यक्ति ने उसको बड़े रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, अपने समय अपने घर उसको ले आया, और जब तक ये बड़ी नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई, तब तक इसने उसको किसी भी तरह से इसके साथ कुछ भी ऐसा मतलब शादी का जो संबंध है ऐसा नहीं बनाया, बड़े प्यार से उसको ट्रीट किया। जब वो मैच्योर हो गई, जब वो बड़ी हो गई, उसके बाद उन्होंने जो है तो उसके जब इस अब इस लड़की के साथ क्या हुआ, जब तक ये ग्रो हुई है, इसकी समझ विकसित हुई, तब तक वो अपने देख रही है कि वो जो हस्बैंड है उसकी एज जो है, मतलब क्योंकि इसकी एज में जो गैप था लगभग समझ लीजिए कि लगभग 25 साल का गैप था, तो ये 25 साल का गैप बरकरार रहा, और जब ये 20 साल की हो गई तो वो 45 साल के हो गए। तो इस तरीके से अब वो व्यक्ति जो है वो इसको उसके साथ जब ये जवान हुई तो इसको समझ नहीं आई इसके साथ जो है ना मेरा रिश्ता कैसे हो गया, तो इसका मन वहां से उसकी तरफ बिल्कुल लगा ही नहीं कभी भी, इसने ना कभी लगाया ना कभी इसका मन लगा। इसका मन अपनी ही उम्र के लोगों को तलाशता रहता और धीरे धीरे इसका एक लड़के से संबंध बन गया और इसको अलग अलग तरीकों से चीट करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, उसके साथ इसने फिजिकल रिलेशन भी बनाए। अब एक समय आया जब उस व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हुआ, जो फसल है कुछ लेकर जा रहा था कहीं पर और वहां पर उसका पैर कहीं अटक गया और बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट के बाद जो है जैसे भी उसका वैद्य हुआ करते थे, ट्रीटमेंट चला, जब उसका ट्रीटमेंट चला तो उसके ऊपर जो उसकी कोई नस दबी हुई थी जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता था। अब उठ नहीं पाता था, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, कुछ दवा वगैरह वैद्य ने जो भी दी थी, तो ये दवा इसको देने की ड्यूटी थी कि तुझे देनी चाहिए थी क्योंकि हस्बैंड है, तो ये दवा उनको नहीं देती थी, जितना हो सकता है अवॉइड करती थी, कभी दे दी कभी नहीं दे दी, अपने मूड के इसका पूरा ध्यान जो है उस लड़की की तरफ लगा रहता जो कि इसका लवर था, और पूरे तरह उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया इसने। एक समय आया उसके पति को पैरालिसिस हो गया, तो वो बिल्कुल अब उसके मुंह से जुबानी चली, इशारा थोड़ा बहुत करता है तो करता है और बाकी कुछ बोल नहीं पाता। अब तो ये बिल्कुल जब उसका पति एकदम उस अवस्था में आ गया तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गई, मतलब ये उसी के सामने ही उस लड़के को बुलाती और उसके सामने ही ये संबंध बनाते, उसके सामने ही ये सब दुर्दशा हुई होगी उसके पति की,
उस वक्त जो वो पति था उसको उसने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया, लेकिन इस स्त्री ने उसके किसी भी चीज किसी भी रूप में सम्मान नहीं दिया। वो उसकी हर तरह से केयर करता, हर तरह से उसको समझदारी से ट्रीट करता जब तक वो ठीक था। जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने बिल्कुल ना उसकी केयर करी, ना उसे दवा दी, और बल्कि उसके सामने ही उस लड़के को घर में बुला लेती और उसके साथ संबंध बनाती। कितना दर्द होता होगा, अंत में उस व्यक्ति की इसी प्रकार से मृत्यु हो गई। तो फिर ये खुलम खुला उसी के साथ रहने लगी। अब देखिए समय पलटा, प्रकृति है, कुदरत है, न्याय का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। यहां पर कोई किसी का वैरी नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं, हम स्वयं ही अपने कर्म ही हमारे वैरी हैं और हमारे कर्म ही हमारे मित्र हैं। अब ये समय पलटा तो इस जीवन में इस स्त्री की ये हालत है, उसी व्यक्ति के साथ फिर से शादी हुई है, राइट। अब वो काफी एग्रेसिव है, उसके और कुछ कर्म रहे होंगे, मन में पता नहीं क्या सोचता रहता होगा, मेरे सामने ही मेरी किसी और के साथ। अब सोच के देखिए वही घटना अब दोबारा इसके जीवन में घट रही है, ऐसे ही घट रही है। अब वो कहीं और इन्वॉल्व होता है किसी और तरीके से और उसको दिखाता है। अब इसके लिए कौन दोषी है, बताओ कौन दोषी है? और इस स्त्री को जब ये बताया गया कि आपके ऐसे कर्म रहे हैं, उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैंने किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिया, तो किसी के साथ रिलेशन बनाया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, तो आजकल कॉमन सी बात है। अब दुख की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि आप अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप दुखी हो। आप किसी को चीट करो तो ठीक, आप उसके सामने रिलेशन बनाओ तो ठीक, लेकिन आपके साथ ऐसा हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। बात बड़ी अजीब लगती है कि कैसे आप, मतलब ये जो दोगलापंथी है, ये जो डबल माइंडेडनेस है कि यहां कुछ और दूसरों के प्रति बिहेव कुछ और, अपने प्रति कुछ और, स्टैंडर्ड अलग अलग कैसे हो गए? आपको कहीं ना कहीं तो समझना पड़ता है कि कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सटीक है, वहां किसी की नहीं चलती, वहां तुम्हारी और मेरी ऐसी बात नहीं होती, बल्कि वहां प्रकृति का जो सिद्धांत है वो चलता है। मेरी बात को समझिएगा, जब हमने उसको समझाया, आप धीरे धीरे करके वो रियलाइज कर रहे हैं, मिस्टेक मान रहे हैं कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, भाई अब माफी मांगोगे। हमने उनको कहा होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए, होपोनोपोनो प्रेयर होती है जिसमें आप बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप किसी भी आत्मा के प्रति ऐसा कह सकते हो, उस आत्मा के प्रति जहां आपके रिश्ते खराब हैं, जब ये प्रेयर की जाती है तो अंदर बदलाव आने लगता है, आत्मा के लेवल पर माफी की प्रक्रिया शुरू होती है। आप बेशक उसको फिजिकली सामने मत बोलिए, लेकिन मानसिक रूप से बोलिए, आत्मिक रूप से बोलिए, आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये आत्मिक रूप से वो व्यक्ति की सोल से सोल माफी दे दी जाती है। वेरी सिंपल, बात समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।